Hello viewers, welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ. आज की यह कड़ी कुछ ख़ास है, ख़ास इसलिए कि हम आज चलेंगे एक अनूठे सफ़र पर, तीन महिला संगीतकारों के साथ उनके सांस्कृतिक सफ़र पर स्त्री शक्ति का आभास करने. In today's episode, we have three women musicians who will be talking about their cultural journeys. Let's talk to the very popular two-time National Award winner Indian classical vocalist Vidushi Aarti Anklikar Tikekar ji, along with Mukta Raste ji, a very talented tabla player, and an amazing harmonium player Shubhita Athwale. Aaiye, aaj in sab se baatcheet karte hain aur inke sanskritik safar par chalte hain. नमस्कार आरती जी, नमस्कार शुभिता जी, नमस्कार मुक्ता जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इस एक ख़ास मकसद के साथ, एक ख़ास बैनर के तहत कह लीजिए, स्त्री शक्ति. तो स्त्री शक्ति का पहला कार्यक्रम अभी ही टोरंटो में रागमाला के अंतर्गत हम लोगों ने किया. आपने और आप तीनों ने मिलके जो प्रस्तुति की, वहाँ पर बहुत ही लोगों ने सराहा. मेरे मन में जिज्ञासा है कि स्त्री शक्ति क्यों और कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया, क्यों आप करना चाहती हैं स्त्री शक्ति को, क्या इसे, इस इनिशिएटिव को आगे भी लेकर जाना चाहती हैं? दरअसल मोहम्मद जी खाकी जो रागमाला के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मेरी मुलाकात हुई थी बॉम्बे में जी. और तब मैं, जब हम बातचीत हो रही थी, तब मैंने कहा कि अभी मेरा नागपुर में एक कॉन्सर्ट था, तो वहाँ स्त्री शक्ति ही उसका विषय था और शाकुंतलम वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस पर मैंने बंदिश बनाई थी राग संपूर्ण मालकौंस में. तो ये हमारी बातचीत होते होते उन्होंने कहा, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है स्त्री शक्ति, आप क्यों नहीं ये लेके आप टोरंटो आती, अब यू शुड कम टू टोरंटो एंड वील हैव स्त्री शक्ति कॉन्सर्ट. तो तब फिर उन्होंने कहा, मुक्ता, आई नो मुक्ता वेरी वेल, सो हैव यू संग विथ मुक्ता? तो दरअसल मुक्ता मेरे घर, मेरे ख्याल से 2-3 साल से तुम आ रही हो, तो वैसे ऑन एंड ऑफ आती रही है वो. तो मैंने कहा, मैं तो मुक्ता को जानती हूँ, वी हैवंट यू नो परफॉर्म टुगेदर, बट आई वुड लव टू. तो मुक्ता की तो बात हो गई. फिर हारमोनियम के लिए, वैसे हिंदुस्तान में काफ़ी सारी औरतें हैं जो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाती हैं, बहुत अच्छी संगत करती हैं, पर मैं चाहती थी कि कोई पूना से हो, तो फिर रिहर्सल करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि स्टेज पे जब हम एक साथ जब बैठते हैं तो हमको एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसका पता होना बहुत ज़रूरी होता है. ख़ास करके जो, जब मैं सेंटर में बैठी हूँ, तो इन दोनों को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मैं क्या सोच रही हूँ और अगला जो है मैं स्वर कौन सा लगाऊँ, यू नो छेड़ूंगी, क्या गाऊंगी मैं, और इसका इनको मालूम होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए सोबत, संगत, इसकी बहुत ज़रूरत है. तो हम साथ में जब बहुत बार बैठ के गाएंगे बजाएंगे, तब एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और तब जाके परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है. तो इसलिए मैंने कहा पूना की कोई चाहिए. तो मैंने शुभदा का नाम किसी कॉन्सर्ट में सुना था और मैंने उसका एक कॉन्सर्ट भी सुना था. अच्छा. तो मैंने मेरी जो स्टूडेंट है उसको कहना कहा कि उसका फ़ोन नंबर तुम कहीं से तुमको मिल जाए तो अच्छा है. और इस तरह से शुभदा को मैंने बुला लिया. बिल्कुल नेक्स्ट डे वो आ गई थी. जैसे मेरी स्टूडेंट ने, उसको शीशा ने फ़ोन किया, तो फ़ौरन आ गई.
फिर हमारी रिहर्सल हुई, फिर हमने देखा कि कैसे हमार मिलजुल के हम कुछ काम कर सकते हैं या नहीं, एंड देन वी रियलाइज दैट वी कुड यू नो sit together, we could sing together, we could perform together, and that's how we came together. I think all the credit goes to मोहम्मद जी. ओह क्या बात है. हाँ जी, क्योंकि इसके इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता था कि आप जैसा कह रही हैं. आगे ले जाने का आपका कैसा लगता है कि क्या प्रॉस्पेक्ट है? आपको लगता है कि भविष्य में भी आप इस तरह के कॉन्सर्ट्स और करेंगी पूना में, भारत में या बाहर? हम इसको ज़रूर आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ये तो पहला कॉन्सर्ट है जो हमने साथ किया है. तो अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जैसे दूध में चीनी अब हमने मिला दी है, हम अब और जैसे जैसे हम एक साथ परफॉर्म करते जाएंगे तो ये और गाढ़ा होने लगेगा, खीर बनने लगेगी, खीर फिर बासुंदी रबड़ी जी. बनेगी. तो हम चाहते हैं कि इसको आगे और आगे बढ़ाएं. स्त्री शक्ति जब हम कहते ही हैं और फिर सब हम महिलाएं मिलकर कोई एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर मेरी जिज्ञासा आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ कि तबला, वैसे तो हम आजकल देखने लगे हैं कि हाँ महिलाएं आ रही हैं इस क्षेत्र में, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं हैं. ज़्यादा हम देखते हैं कि जो आदमी हैं वही ज़्यादा तबला बजाते हैं, तो इसकी पता नहीं क्या वजह रही होगी, मगर फिर भी आप बताइए कि आपकी शुरुआत इस सफ़र की किस तरह से हुई तबला में, और क्या चैलेंजेस रहे होंगे, क्या रहे कोई चैलेंजेस या नहीं, बिल्कुल ही स्मूथ सफ़र था? एज अ म्यूजिशियन सबको चैलेंजेस तो है ही, क्योंकि इस फील्ड में करियर करना है तो उसके लिए जितना भी पॉजिटिव आप रहें उतना अच्छा है. तो एक मैं कहना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे, बचपन से मैं पंडित विदुषी अबान मिस्त्री जी को देख रही थी, पंडिता अनुराधा पाल जी को देख रही थी, काफ़ी सारे महिला परफॉर्मर्स को देख रही थी. उनको देखते देखते लोग बोलते थे कि अरे आपने उनको सुना है, आपने उनको सुना है. तो ऐसा सुन सुन के हमको भी पता चला कि इसको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. अभी इस प्लेटफॉर्म पर अगर हमको आना है तो उसके लिए बहुत रियाज करना ज़रूरी है. ये तालीम ऐसी है कि गुरु जो बताते हैं उसको घर जाकर रियाज करो, जितना हो सके उतना रियाज करते रहो, अपने आप को सुधारते रहो. तो वो बचपन से, जब मैं छोटी सी थी, 6 साल की थी, तब मेरा तालीम शुरू हो गया मेरे मामा जी से, संजय करंदीकर जी से. और उसके बाद 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में कभी मैंने उनको पूछा कि मुझे इसमें करियर करना है तो मैं कर सकती हूँ क्या, तो उसके चैलेंजेस उन्होंने मुझे बताए थे. और फिर मेरा पैशन इसी दौर पे था तो मैंने तय किया कि मुझे तबला ही करना है और कुछ नहीं. वाह क्या बात है. लेकिन वही जो बात आ जाती है स्त्री की, तो स्त्री के रूप में क्या आपको कभी लगा कि कोई चैलेंज आए या नहीं, आपको समान ही तरह के मौके मिले? उसके लिए हमको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है स्टेज पे, अलग तौर पर, घर पे भी और बाहर भी. तो वो चैलेंजेस तो मुझे लगता है कि हर महिला आर्टिस्ट को आते हैं. और हम लोग जब देखते हैं कि हमारे गुरु समान जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे ताई है वो हमारे गुरु समान है, तो इनको देख देख के हम सीखते हैं कि हमको भी अगर हमारे हर लाइफ के स्टेज में क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट होना है, कैसे नहीं होना, कैसे ओवरकम करने हैं, वो बहुत सीखना होता है उसमें. जी, तो ऐसा कर कर के चैलेंजेस फेस करते हैं. क्या बात है. और शुभिदा जी आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा कि आपकी इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में ही संगीत था. अच्छा. मेरे पिताजी का संगीत एकेडमी था, तो शुरू में मैं उनसे सीखी, बाद में पंडित प्रमोद जी मराठे और डॉक्टर चैतन्य कुंटे से अभी कुंटे जी से अभी सीख रही हूँ. और संगीत अलंकार वगैरह मैंने तो किया है. और आप चैलेंजेस के बारे में बोल रही हैं तो मुक्ता जी बिल्कुल सही बोल रही थी कि हमें प्रूव करना होता है, लेकिन उसके सिवाय रियाज तो करते हैं, मतलब जो गुरुजी बताते हैं वो तो रियाज करना है, लेकिन वो परफॉर्म करने करते समय कुछ अलग अपना ऐड करना होता है उसमें. जैसे आरती जी ने बोला कि हम ये सब घुल मिलकर आना चाहिए, परफॉर्मेंस जो होता है वो अकेली
अकेले आर्टिस्ट का नहीं रहता है, वो सबने मिला के वो परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए वो साधना अलग रहती है और उसके लिए वो एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए जो समस्त स्त्री जो है, स्त्री आर्टिस्ट जो फीमेल आर्टिस्ट जो है ना, उन्होंने मतलब घर में करती है लेकिन वो बाहर आने के लिए थोड़ा अपने आप हिचकिचाती है, अपने को थोड़ा कम समझते, तो वो उसके लिए मैं ऐसा कहूँगी कि सबने वो ट्राई करना चाहिए, प्रयास वैसे ही करना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे करे। हिचकिचाहट की जो बात कह रही हैं आप, बस मैं उसी बारे में बात कर रही थी कि स्त्री होने के नाते एक तरह से हमेशा से जो समाज में होता आया है पुराने समय से कि स्त्री जो है वो घर में रहेगी उस तरह से, और फिर स्टेज पे जाके तबला बजाना या हारमोनियम बजाना, संगत करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान शायद नहीं रही हों आप लोगों के लिए। मैं आपकी तरफ आऊँगी आरती जी, आपके सफ़र की शुरुआत के बारे में बताइए, आपके गुरुओं के बारे में बताइए, और आपने जो ये इतना ऊंचा मकाम हासिल किया है आज विदुषी आरती अंकलीकर टीकेकर जी, तो आप बताइए अपने सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी। दरअसल मेरे घर में मेरे माँ पिताजी, उनको भी काफ़ी शौक़ था संगीत का, वहीं से शुरुआत हुई। और मेरे ख्याल से बचपन में मैं जब 4-5 साल की थी तब मैं काफ़ी सारे जो हमारे स्कूल में जो गाने सिखाए जाते थे, जैसे मैं घर आती तो 1-1.5 घंटा मेरा रोज़ाना परफॉर्मेंस रहता और मैं लगातार एक के बाद एक गाने गाती, और माँ पिताजी ने तब देखा था ये कि मुझे गाने में रुचि है और मैं अच्छा गा सकती हूँ और शायद इससे और अच्छा गा पाऊँगी। मेरे माँ पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ मेरे क्लास में आती, मेरे साथ बैठती, देखती कि क्या मैं मुझे सिखाया जा रहा है, घर आने के बाद मुझसे वो सारा दोहराती, जो ठीक नहीं आ रहा है वो 5 बार 10 बार 15 बार जब तक वो परफेक्ट नहीं आता मुझसे गवाती। आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस माई एंड ऑल्सो माई फादर वुड प्ले तबला विद मी। सो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरे माँ पिताजी, जो जानते थे कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, और उसके लिए दे हेल्प्ड मी टू वर्क हार्ड। इट्स नॉट ऐसा नहीं कि आप क्लास चले जाइए, आप क्लास से आइए फिर आप रियाज करिए, ऐसा नहीं, दे वर देयर विथ मी। माई फादर वुड सिट इन फ्रंट ऑफ मी विथ अ डब्बा जिसमें हरे रंग की बीड्स थी छोटी छोटी, एक तान में जब एक बार कहती तो एक बीड यहाँ से यहाँ करते, और ही वुड सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड मेक मी डू ऑल दिस। आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव सच पेरेंट्स। ऑफ कोर्स या द एवरी टैलेंटेड चाइल्ड शुड हैव वंडरफुल पेरेंट्स, काम बड़ा आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। सो एंड देन आई वाज लर्निंग फ्रॉम वसंतराव कुलकर्णी जी, देन आई लर्न फ्रॉम किशोरी जी जी, वो एक अलग मेरे जीवन का अनुभव था। एक तो वसंतराव आगरा ग्वालियर घराने के थे जी। और किशोरी जी आप सभी जानते हैं जयपुर की थी, और केवल जयपुर की नहीं उनकी एक अपनी शैली थी, अपनी खुद की एक गायकी। मैं तो कहूँगी वो किशोरी घराना ही उसको कहूँगी, क्योंकि 3 पीढ़ियां जब गाती हैं तो वो घराना बन जाता है। तो किशोरी जी हम गा रहे हैं, हमारी बच्चियां गा रहे हैं, तो एक घराना बन गया। तो उनसे सीखना एक ऐसा अनुभव था कि अगर मुझे भगवान कहे कि आपको चंद साल जीवन के फिर से जीने का मौका मैं दूंगा तो वही साल मैं चुनूंगी जो मैंने किशोरी जी के साथ बिताए। कोई राग हम जो गा रहे हैं, कोई कुछ मेरे ख्याल से जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसी क्षण का हो जाना, ये मैंने किशोरी जी से सीखा। कि जैसे उनके साथ हम जब वो यमन गाती थी तो शुरुआत में तो लगता था कि हाँ यमन है, ये मुक्ता है बैठी है, ये सभी बैठे हैं, लेकिन 4-5 मिनटों के बाद ऐसे लगने लगता था कि मैं यमन हो गई हूँ, ये सारा वातावरण यमन में, पूरी यमन है। ये जो सबको यमन कर देना, वाह वाह, ये जो उनकी बिल्कुल जादू कर देती थी सब पे। और जो हमको सिखाया वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी
आप तो सभी जानते हैं, बड़ी डिसिप्लिनेरियन, बड़ी वक्त पे 9 बजे यानी 9 बजे आना है, तो और उनके साथ जो तालीम थी वो ऐसी थी, फिर वसंत राव जी के पास शुरू में, और बाद में मैंने दिनकर कायकिनी जी से आगरा घराने की तालीम ली, वो भी बड़े संत आदमी थे, बड़े बहुत ही बेहतरीन गुरु थे। मुझे लगता है कि जो शिष्य है उसके गुण देख के, उसका गला देख के, उसका माइंड, उसका ब्रेन, उसकी काबिलियत, उसकी ज़रूरत, ये सारा देख के परख के सिखाने वाले ये गुरु थे। ऐसे नहीं कि मेरी बात तुम्हारे गले में उतारनी है, ऐसे लोग नहीं थे ये सारे जो मेरे गुरु थे। उन्होंने देखा कि मेरी क्या काबिलियत है, मेरा गला कैसा है, मेरा दिमाग कैसा है, मैं कैसा गाना चाहती हूँ, ये सब देख के इन्होंने सिखाया, और शायद मैं भी ठीक तरह से सीखी। नहीं, जैसा कहते हैं ना कि गुरु जो है वो तो शिष्य तो है, वो अच्छे गुरु ढूंढते ही हैं, उन्हें भी चाहिए होता है, मगर गुरु को भी अच्छे शिष्य चाहिए होते हैं। बिल्कुल, तो बस वही बात है। बिल्कुल, आप खुद भी गुरु हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से सिखा रही हैं, आपका गुरुकुल है, अपने गुरुकुल के बारे में बताइए, कैसे और भी जो भारत से या बाहर से भी कुछ लोग अगर लाभान्वित हो सकें आपकी शिक्षा से, तो कैसे हो सकता है ये? जब मैं बॉम्बे की हूँ, आई वॉज रेज्ड इन बॉम्बे, सो व्हेन आई मूव टू पुणे एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एट द पुणे यूनिवर्सिटी, एंड देन इन द एट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम महाराष्ट्र के इंटीरियर से बच्चियाँ आती थी सीखने। अनेकों बार ऐसा होता था कि पेइंग गेस्ट वो हैं, कहीं रह रही हैं, लेकिन रियाज करने के लिए उनको परमिशन नहीं है, तो कैसे करें, वो बेचारी कहीं दूर से आई हैं सीखने के लिए, तो अगर रियाज नहीं कर पाएंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है आने का। तब मैंने कहा कि हम ही को कुछ करना होगा, सो देन वन ऑफ माई अपार्टमेंट्स आए, मैंने उसको गुरुकुल बना दिया वहाँ। अच्छा, जो बाहर से बच्चियाँ मेरे पास सीखने आती हैं, और मैं वहीं 9th floor पर रहती हूँ और 10th floor पर बच्चियाँ, सो इट वॉज मच ईजियर बिकॉज आई थिंक, जैसे मैंने कहा, संगत सोबत, गुरु की भी संगत सोबत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि गुरुमुखी विद्या है, लेकिन गुरु को जो शिष्य गा रहा है वो सुनने की भी उतनी ही ज़रूरत है। गुरु तो मुख से सिखा दे, शिष्य उसको ग्रास भी कर ले, लेकिन शिष्य क्या गा रहा है, सही गा रहा है या गलत गा रहा है, उसको उसी वक्त बताने के लिए गुरु का वहाँ होना भी तो ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से गुरु कुल की वजह से ये सारी बातें आसान हो गई, और बच्चियों को एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट मिल गया जहाँ वो बिल्कुल आनंद से गा सकती हैं, चाहे जितना रियाज कर सकती हैं। तो आपके गुरुकुल में ये आते हैं, आपके जो छात्र छात्राएं जो भी हैं वो आकर वहाँ रहते हैं, और मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे और साथ में भी एजुकेशन होती है, पढ़ाई वगैरह, उसका कैसे? जी, कुछ बच्चियाँ हैं जो म्यूज़िक लेके एमए कर रही हैं, पीएचडी। अच्छा। कर रही हैं, पर कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कर रही हैं, तो उनकी जो इच्छा है वैसे करती हैं। अच्छा। हालांकि संगीत ऐसा नहीं है कि जो पार्ट टाइम किया जाए, नहीं वही, क्योंकि संगीत के लिए तो 24 घंटे कम है, पूरा जीवन दे देना, क्योंकि अपना अपना रियाज है, सुनना है, गुरु से सीखना है, फिर कॉन्सर्ट्स सुनने के लिए जाना है, अपना यू हैव टू एक्सरसाइज, कीप योर सेल्फ, योर बॉडी फिट, सो इट्स अबाउट योर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों को काम पर लगाना है। वो तो केवल मन से नहीं गा सकते, केवल गले से नहीं गा सकते, केवल बुद्धि से नहीं गा सकते, सो काफ़ी काम है उसमें, काफ़ी हार्डवर्क है, काफ़ी लगन है। आई थिंक यू रियली नीड बड़ा डेडिकेटेडली करना पड़ता है, और पहले गला तैयार करना है, काफ़ी उसका रियाज करना पड़ता है, अनेकों रागों का रियाज करना पड़ता है, बंदिशें हैं, अलग अलग गायकी हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है उसका भी तो एक अभ्यास है, और जो मुझे लगता है क्या मेरे गले से मैं गा सकती हूँ,
क्या मेरी काबिलियत है वो. सो टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आई थिंक जितना आउटर जर्नी है उतना इनवर्ड जर्नी है ये, टू नो योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन वीकनेस, वॉट यू कैन डू, वॉट यू कैन नॉट. आई थिंक ऑल दैट इज, ये सारा करने के लिए तो 24 घंटे कम है ना. बिल्कुल. और ये लगन से आप 24 घंटे करोगे तो जो आपको हासिल करना है वो हासिल करके ही रहेंगे. बिल्कुल, एकदम. जैसे किशोरी जी हमको हमेशा कहती थी कि तुम लोग नाम वाम पैसे इसके पीछे मत पड़ना, बस तुमको अच्छा गाना है ये तुम डिसाइड कर लेना. एक बार तुमको अच्छा गाना आ जाए तो ये तो चीज़ें अब अपने आप आ रही हैं उसके पीछे. आप जैसे कह रही हैं कि ये एकदम साधना है, पूरी तरह से 24 घंटे भी कम होते हैं इस साधना के लिए. और आप, हम जब बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम बातचीत कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय शास्त्रीय संगीत. मगर हम सब जानते हैं कि आरती जी सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं गाती हैं, बल्कि हर तरह के सेमी क्लासिकल कह लीजिए या यूं भी आप बहुत कुछ गाती हैं. तो आपका क्या ख्याल है कि क्या शास्त्रीय संगीत ही होना चाहिए और सारे लोगों को जो सीखना चाहते हैं वो शास्त्रीय संगीत ही सीखें और किसी तरफ ना जाएं, या फिर एक उम्र के बाद ही जाएं, या नहीं सब कुछ एक साथ चल सकता है, चलना चाहिए? देखिए, सभी को शास्त्रीय संगीत गाना मुमकिन नहीं है सब, क्योंकि वो उसकी, उसके लिए एक टेम्परमेंट की ज़रूरत है. एक तो आवाज़, ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छी बुद्धि होना म्यूज़िकल, ये भी ज़रूरी है. और एक टेम्परमेंट, बड़ा सीरियस म्यूज़िक है ये. 5 स्वरों को लेके 1 घंटे तक बैठ के उसी स्वर में, बिल्कुल उन्हीं 5 स्वरों में रम के आपको गाना है, उसके लिए एक अलग टेम्परमेंट चाहिए. नॉट एवरीबडी हैज़ दैट. सो आई वुड नॉट से दैट सबको क्लासिकल गाना चाहिए. लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आपको शुरू में आपको क्लासिकल सीखना चाहिए. और क्लासिकल तो बेस है, लेकिन राग संगीत बेस, राग संगीत अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का म्यूज़िक है, जो पूरे दुनिया में और ऐसा कोई म्यूज़िक नहीं है. तो लेकिन उसके जो एक्सरसाइजेस हैं जिसके वजह से गला बन तैयार करते हैं, वो बड़े काम के एक्सरसाइजेस हैं. तो उनकी वजह से आप किसी भी तरह का म्यूज़िक जो है आराम से जॉनर अच्छी तरीके से उतार सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल वांट टू से, दैट इट इज़ द बेस. एक्चुअली द एक्सरसाइजेस इज़ द बेस, नॉट राग संगीत. राग संगीत तो एक विचार है. तो वहाँ तक जाने में तो बच्चों को काफ़ी कम से कम 12 साल लगते हैं. जब तक आप 12 साल तक शास्त्रीय संगीत ना सीखो, तब तक वो क्या है मेरे ख्याल से उस पता नहीं चलता है. तो लेकिन एक बार आपका गला तैयार हो जाए तो, जैसे मैंने कहा, फिर आप तो चाहे भजन गाइए, चाहे फिल्मी गीत गाइए, चाहे टप्पा गाइए, फिर तो गाना आसान हो जाए. किसी भी कलाकार के लिए या हम सभी के लिए कहीं पर भी पहुंचने के लिए परिवार का बहुत बड़ा साथ चाहिए. आपने अभी अपने माता पिता के बारे में बताया, मगर बाद में और भी आज जो इतने ऊँचे मकाम तक पहुंच पाई हैं, परिवार के बारे में बताइए. किस तरह से, उनका तो सपोर्ट रहा ही, मगर और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे पति, मेरी और मेरे सास ससुर जी, इनका बहुत बहुत सपोर्ट रहा है. माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ बोथ वर म्यूजिशियंस. माय मदर इन लॉ वाज अ वेरी गुड सिंगर हरसेल्फ, एंड दे बोथ सपोर्टेड मी अलॉट. जैसे ही शादी होते ही मेरे ससुर जी ने कहा कि बस तुम घर की देखभाल वगैरह ये इस पे तुम ध्यान मत देना, तुम अगर रियाज ना करो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, रियाज तुमको करना ही है. एंड सेम इज माई हस्बैंड. आई थिंक मेरे ख्याल से द कन्विक्शन इन विच यू नो मेरी, मुझे संगीत करना ही था, तो ये अपने लोगों पे मैसेज पहुंच जाता है, देन दे वांट टू सपोर्ट यू. द मोमेंट यू आर, मैं करूं या ना करूं, यू नो इफ यू आर कंफ्यूज, फिर वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, यू नो देन दे ऑल्सो. बट वंस दे नो ये तो भाई हटने नहीं वाली है.
तो फिर दे बट ऑफ कोर्स दे आर वन वंडरफुल पीपल हु सपोर्टेड मी. जी आपके पति क्या करते हैं और इनके बारे में बताइए. ही इज एन एक्टर. ही इज एन एक्टर. हां हां. एंड अ वंडरफुल हस्बैंड ऑफ कोर्स. आपको इतने सारे सम्मान मिले हुए हैं, बहुत सारे. आपको 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं. उस अनुभव के बारे में बहुत थोड़ा सा हमें, अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बता सके. और 2012 में आपको आखिरी जो भी नेशनल अवार्ड जो मिला आपको एज द बेस्ट सिंगर, लाइक इट्स अ बिग थिंग टू गेट अ नेशनल अवार्ड इन इंडिया. सो प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट. ये दोनों जो अवार्ड्स मुझे मिले नेशनल अवार्ड्स, वो फिल्म की गानों के लिए है. तो 2006 में जो मुझे मिला था वो फिल्म थी अंतरनाद, एक कोंकणी फिल्म, एक क्लासिकल म्यूजिशियन के जीवन पर आधारित वो फिल्म थी. और उसमें जो सारे गाने थे वो सारे क्लासिकल पे ही आधारित थे. एंड सेम इवन इन द नेक्स्ट फिल्म संहिता विच आई गॉट नेशनल अवार्ड वॉज क्लासिकल म्यूजिक पे ही था. बट आई थिंक यू नो वॉट आई गॉट टू लर्न सो मच यू नो इन द मूवी दैट आई सैंग इन 2006 विच वॉज अंतरनाद. अशोक पत्की जी का म्यूजिक था. और देखिए वो ऐसा होता था कि हम स्टूडियो में बैठते थे, डायरेक्टर आते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर जो अशोक पत्की जी, फिर वो कहते थे कि एक गाना ऐसा है अंत में है फिल्म के और भैरवी पे चाहिए. और देखिए हिंदी क्योंकि शी इज़ अ क्लासिकल म्यूजिशियन, सो देखिए एंड देर आर नो लिरिक्स, नो नथिंग, यू नो वी आर जस्ट सिटिंग इन द स्टूडियो लाइक दैट यू नो विद द म्यूज़िक डायरेक्टर. देन आर तबला प्लेयर वॉज उत्पल दत्त, ही इज़ फ्रॉम MP. तो उसके बड़े हिंदी उसकी अच्छी थी. तो फिर देन ही सेड हाँ मुरे घर आए बालम वाही, अच्छा एक गीत मैंने सुना था. हाँ ठीक है. अशोक जी स्टार्टेड प्लेइंग द हारमोनियम एंड ही सेड चलिए मुरे घर आए बालम वा, मुरे घर आए बालम वा. तो उन्होंने एक लाइन, फिर अंतरा और किसी ने बता दी कोई लाइन, वहाँ गाना बन गया. मैंने सीख लिया और वहीं गा दिया और ये 3-4 घंटे में गाना तैयार हो गया. आई थिंक इट वॉज ऑफ कोर्स ये जो है पिछले मैं 15-20 सालों से जो साधना कर रही थी उसी की वजह से ये पिकअप करना. Or to be able to give your best, just, you know, in few minutes after you learn the song. Yeah. So all that is training ka usme kafi importance hai. So that was a wonderful experience for me. So because wahi ke wahi seekhna, and then wahi ke wahi apne brain ko, dimag ko daudana, and then try to give your best. And Samhita was another beautiful experience because the soundtrack was already made. Acha. Pehle. And then the director, she's a wonderful director, Sumitra Bhave from Pune. She has won number of national awards. Amazing lady. And unke saath Sunil Suptankar, ye dono directors the. To unhone kaha ki humare paas ek soundtrack hai aur hum chahte hain कि आप एक बार सुने और हमको बताएं. तो मैंने सुनकर मैंने कहा बहुत अच्छा है लेकिन इसे अच्छा भी हो सकता है. तो कहने लगी फिर आप गा सकती हैं ये. तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि उसमें 8-10 गाने थे तो वो सारे मैंने सुने थे. तो मैंने कहा गा तो सकती हूँ लेकिन मैं नेक्स्ट वीक जा रही हूँ USA. तो कहने लगे हाँ हाँ हमको भी नेक्स्ट विद इन 4 डेज हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट्स, सो वी वांट टू रिकॉर्ड टुमारो. सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग इन अ वे. एंड देन सो इन द अर्लियर फिल्म फॉर सरदारी बेगम आल्सो व्हेन आई सैंग दे वर लाइक फ्रेश सॉन्ग्स एंड आई हैड यू नो वी कुड चेंज द तबला एंड यू नो वट एवर यू नो द रेपिटेशंस एंड ऑल दैट. But here it was all set. Tabla pieces were set, there was sarangi played, everything was set. And in between,
I had to sing with my own improvisation. So it was in a way challenging. Yeah. So, but it's so a learning process as well. So ये अनुभव ही हमको और अमीर बनाते हैं. And that's it. मेरा आखिरी सवाल और हम सब दर्शक चाहेंगे कि आपका संदेश क्या होगा सिर्फ युवा वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए. जो चीज आपको करना पसंद है उसमें जी जान लगा दीजिए. यही मैं कहूँगी. और मेरे ख्याल से हर इंसान ट्राई तो करता ही है. उसकी जो सपोर्ट सिस्टम होती है उनको भी थोड़ा सा उनको पुश देना चाहिए. आई थिंक सभी की थोड़ी सी जी जान लग जाए ना तो एवरीबडी विल बी एबल टू गिव देयर बेस्ट. अपने आप में सोसाइटी क्या बढ़िया हो जाएगी. एवरीबडी इज एबल टू गिव देयर बेस्ट. आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ गाकर सुना सकें. हमारे पास तबला भी है हारमोनियम भी है तो ये तो हम सब के लिए एक आशीर्वाद होगा. जी ज़रूर.
तो बिल्कुल और ज़्यादा सुनने का मन हो रहा है, पर समय की पाबंदी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ आज की यह कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर से मिलेंगे आपके साथ सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ में। एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन कल्चरल जर्नी विद मानुषी। नमस्कार।